हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खोल कर रखा हुआ है और आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कैसे आप आसानी से अपना एग्ज़ाम सिटी डेट सेंटर कहाँ पड़ा है वो आसानी से लोड कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों। मैं आपको जो ये लिंक है वेबसाइट का मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप आसानी से डायरेक्ट जा सकते हैं अपने लिंक के ऊपर और लोड कर सकते हैं अपने एग्जाम सेंटर को। चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी आरआरबी जोन है आपके इंडिया में सभी यहाँ शो हो रहे हैं और जो भी आपने जहाँ से भरा है वहाँ पर जाके आप अपना लोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एक डेमो, जैसे ये रांची का है। आप जो भी खोलिएगा आपको उस पेज के मेन जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए रांची में यहाँ पर लिखा हुआ रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड इन्फॉर्मेशन अबाउट सिटी एंड डेट एंड SC ST ट्रेवल। जो भी आपका यहाँ से क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर आइए और आपको इस तरह से पेज शो होगा। चाहे आप किसी भी जोन के कैंडिडेट हो आपको इस तरह से शो होगा। आपको वो लिंक हर जोन के वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है UID यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका पासवर्ड है वो डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको हो सकता है कि कुछ मैसेज एरर शो हो क्योंकि अभी पूरे इंडिया के लोग अभी सभी अपना एग्जाम सिटी सेंटर वगैरह देखने के लिए सभी अभी इस पे लगे हुए। इस वजह से अभी ये तो एक दिन पहले की वेबसाइट क्रैश कर गया था लेकिन अभी ठीक हो गया है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि लोड हो तो इसे आप रात में ट्राई कीजिए 12-1 बजे के बाद या सुबह टाइम कीजिए तो जल्दी से होगा। हो सकता है कि एक दो बार करने के बाद हो लेकिन होगा ज़रूर, थोड़ा देर लगेगा। ये दोस्तों मैंने लोड करके रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ सब कुछ अपना नाम वगैरह हाइड कर दिया है। देखिए यहाँ पर आप जब लॉगिन कीजिएगा तो आपको इस तरह से शो होगा। देखिए यहाँ दिखा रहा है क्रेडिट डिटेल, यहाँ पर आपको शो होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका होगा नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ फादर नेम, यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी इन टेस्ट सिटी जो भी आपका हो, यहाँ पर टेस्ट स्टेट, यहाँ को आपका जो स्टेट में आपका पढ़ा है सेंटर, यहाँ पर डेट ऑफ एग्ज़ाम को डेट किया है, यहाँ पर शिफ्ट आपका कौन सा शिफ्ट है कब होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड कब होगा, यहाँ पर ड्यूरेशन दिखा रहा है 90 मिनट्स का होगा आपका और यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम क्या है आपको कब तक पहुँचना है इस तरह दोस्तों, है ना। इसका यह है पूरा शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको इस तरह से होगा। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है, ये आपको एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है कि ताकि कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो वो पहले से जान सके अपना एग्जाम सिटी सेंटर स्टेट डेट शिफ्ट सब कुछ जान सके, इसलिए सरकार ने ये चीज़ लिंक दिया है। आप देखिए ये एडमिट कार्ड नहीं है, वो उसके लिए नया लिंक दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से कीजिए। और अगर आपको यहाँ से लॉगिन होने के बाद अगर आपका ये पेज शो नहीं होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों, यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है द एग्जाम सिटी एंड डेट इन्फॉर्मेशन इज लाइव फॉर कैंडिडेट शेड्यूल फ्रॉम 17/9 to 16/10 ओनली, यानी जिसका 17/9 से 16/10 तक एग्जाम है उसी का यहाँ सिर्फ शो हो रहा है। फॉर ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट द डिटेल्स विल बी लाइव फ्रॉम 13/9, यानी जिसका उसके बाद एग्जाम है आपको उसको 13 सितंबर के बाद से उसको सो होना शुरू होगा। इसलिए दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, सबको मिल जाएगा। अभी फिलहाल उसको दिया जा रहा है इसका कि मैंने अभी जो डेट बताया उसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसी डेट के बीच में सिर्फ जो कैंडिडेट है उसको शो होने वाला है। बाद में जो है वो बाद में लिंक ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ वो डेट क्या है जो अभी जिसका शो हो रहा है। वो जो डेट है वो 17/9 से जिसका एग्ज़ाम यानी 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक उसी का सिर्फ यहाँ पर शो होगा लॉगिन में। बाकी का जितने फॉर्म भरे हैं शो अगर नहीं हो रहा है तो वो शो कब से होगा, वो शो होगा आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर 13 सितंबर से शो होना शुरू। इसे दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक बटन को दबा दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।